Sagar Group of Education. We were learning economics, chapter number 1st, the story of village Palampur of class 9th. Okay, so we have learned what we will study in the chapter. We had overview of the chapter, we had introduction of the chapter. Ki humne padha tha ki ek hypothetical village hai, village Palampur karke India mein. ठीक है, उस विलेज के रिलेटेड हम सारी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब कि जो पैसों से रिलेटेड एक्टिविटीज और जो पैसों से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, सो दैट हमें इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए. राइट, सो वी हैड स्टडी अबाउट सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फॉर अ रिकॉल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड मतलब जमीन, क्योंकि कोई भी चीज करनी होती है तो हमें लैंड चाहिए होती है. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द डिजिटल थिंग्स. राइट, देन लेबर. अब लैंड पे काम कौन करेगा? रोबोट्स काम नहीं करेंगे या कोई एंजल आके काम नहीं करेगी. वी नीड लेबर, वी नीड फिजिकल ह्यूमन बींग्स टू वर्क ऑन दैट लैंड. राइट, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो दैट वॉज लेबर थिंग. थर्ड थिंग वॉज कैपिटल, मतलब पैसा. कि अगर हमने कुछ भी, हमने जमीन खरीदनी है या जमीन रेंट पे लेनी है, सो वी नीड मनी टू बाय दैट और टू गिव आउट द एक्सपेंसेस. राइट, एंड लेबर, लेबर को भी हमें हायर करना, तो कोई भी फ्री में काम नहीं करेगा. ओके, सो टू परचेज लेबर आल्सो वी नीड मनी. या कोई भी बड़ी चीज लेने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, टूल्स हो गई, मशीनरीज हो गई, फर्नीचर हो गया, तो इन सब के लिए भी वी नीड कैपिटल. राइट, एंड सिमिलरली डे टू डे वर्किंग के लिए भी हमें पैसा चाहिए. सो फॉर अ रिकॉल, मैंने समझा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो पैसा जिससे हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमें सालों साल तक काम आती है. ठीक है, मतलब जो एक साल दो साल में डिप्रिशिएट नहीं होती, जिसकी वैल्यू इतनी कम नहीं हो जाती, अगर मैं उसको बेचने जाऊंगी तो भी मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा. इसमें क्या क्या आ गए? टूल्स आ गई, मशीनरीज आ गई बड़ी बड़ी, फिर आपका फर्नीचर आ गया, आपकी लैंड आ गई, आपके असेट्स आ गए, कार, ये सब. ठीक है, सो दे आर फिक्स्ड कैपिटल. सेकेंड काइंड ऑफ कैपिटल वॉज वर्किंग कैपिटल, जो हमें डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होता है. ठीक है, जिसमें आपकी सैलरी इंक्लूड होती है, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी या फिर आपकी लेबर की वेजेस इंक्लूड होती है, क्योंकि वो डे बेसिस पे होती है. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल. द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाज एंटरप्रेन्योर, दैट इज बिजनेसमैन. कि अब हमारे पास लैंड आ गई, हमारे पास लेबर है, हमारे पास कैपिटल है, बट इन सबको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इन सबको इकट्ठा करके, कंबाइन करके, ये सब रिसोर्सेज को कंबाइन करके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो वो कौन इंसान करेगा? तो वो एक ऐसा इंसान करेगा जिसको उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में या तो कोई नॉलेज हो या तो कोई एक्सपीरियंस हो. ठीक है, तो बिजनेसमैन यानी एंटरप्रेन्योर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. इट इज़ एन ह्यूमन कैपिटल, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कैपिटल, बट इन द बिजनेस स्टडीज वी कीप इट एज सेपरेट एज अ फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ वॉट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Then after that we learned about the farming activities in Palampur. मैंने बताया था कि हमें ये चैप्टर सिर्फ पालमपुर को लेके नहीं पढ़ना है, हमें पालमपुर की चीज़ें पढ़नी है. पर पालमपुर की चीज़ें पढ़ के हम ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमी कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. राइट, तो हमने पालमपुर की फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि देर आर 450 फैमिलीज इन पालमपुर, और वहाँ पर जितनी भी फैमिलीज है वो मोस्टली 99% ऑफ द फैमिलीज वर इंडल्ज्ड इन द फार्मिंग एक्टिविटीज. क्यों? क्योंकि इंडिया में मेन जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, तो हर विलेज में हमको मिलता है देखने को कि वहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा हो रही है. तो उसमें हमने पढ़ा था कि 80% पीपल जो है वो अपर क्लास लोग हैं. ठीक है, 80 फैमिलीज समथिंग लाइक दैट. राइट, एंड जितने जो लोग उनके पास क्या थे, उनके पास खुद की ज़मीनें थी, तो वो अपनी ज़मीनों पे या तो खुद खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, या तो दे यूज टू हायर लेबर फ्रॉम द लोअर कास्ट पीपल एंड फिर उनको डेली वेजेस के ऊपर उनको एग्रीकल्चर करवाते थे. ठीक है, तो ये हमने देखा था कि, और फिर हमने ये भी देखा था कि जो उसका सरप्लस होता था, मतलब कि जितना भी उनके पास एग्रीकल्चर करने के बाद जितना भी प्रोडक्शन होता था, उस प्रोडक्शन में से वो कुछ प्रोडक्शन अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए रखते थे,
और उसके बाद वो बाकी जो प्रोडक्शन का था उसको बाजू के जो गांव है रायगंज करके वहां पर दे यूज्ड टू सेल. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाज कि हाउ टू इंक्रीज यील्ड. द नेक्स्ट टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक इज हाउ टू इंक्रीज यील्ड, मतलब कि यील्ड मतलब प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन को हमें कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है. सो देर आर मेनी वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर लैंड. क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक जो विलेज ऑफ पालमपुर है वो एक छोटा सा विलेज है, और कोई भी इंसान अपने विलेज की लैंड के अलावा बाहर की कोई दूसरे विलेज की लैंड या फिर गवर्नमेंट लैंड पे जाके हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, दैट इज इलीगल. तो अगर मेरे पास थोड़ी ही लैंड है, ठीक है, कुछ हेक्टेयर्स लैंड है, हमने कल पढ़ा था कि हेक्टेयर्स इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, राइट. तो कुछ अगर हेक्टेयर लैंड है तो मैं उसी कुछ में फार्मिंग प्रैक्टिस करूंगी. बट क्या होता है, हम एक ही एक जमीन पे फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर उसकी जो नेचुरल सॉइल का पीएच वैल्यू या फिर उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट. तो ऐसे कौन से तरीके हैं कि हम उसी पर्टिकुलर लैंड पे रह के, उसी पर्टिकुलर लैंड पे जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, हमें पैसा भी ज्यादा मिलता है, और जो जमीन है उसको भी इतना नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है. सो लेट्स गेट टू द टॉपिक. फर्स्ट ऑप्शन इज मिक्स्ड क्रॉपिंग. कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं. नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप मतलब जो हम उगाते हैं, राइट. तो मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब कि बहुत सारे क्रॉप्स को इकट्ठा उगा रहे हैं, राइट. पर मिक्स्ड क्रॉपिंग कैसा होता है कि अगर एक एग्रीकल्चर फार्म है, ठीक है, तो एक एग्रीकल्चर फार्म में मैं पार्टीशन कर दूंगी कि इतने में मुझे वीट उगाना है और इतने में मुझे राइस उगाना है, या व्हाटसोएवर द कॉम्बिनेशन अ फार्मर चूज, राइट. तो इसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि मैं एक ही जमीन पे दो या दो से ज्यादा हिस्से कर दूंगी एज पर माय चॉइस, और उसमें उस पर्टिकुलर सीजन के मैं क्रॉप्स उगाऊंगी, ठीक है. लाइक रबी सीजन है तो मैं दो से तीन रबी क्रॉप्स उगा दूंगी एक ही लैंड में. तो अल्टीमेटली क्या होगा, जहां पर मैं एक ही वीट का प्रोडक्शन करूं तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा. बट अगर मैं उसी एक ही फार्म पे, उसी एक ही एग्रीकल्चरल लैंड पे मैं एक से ज्यादा अगर क्रॉप उगाऊंगी तो मुझे, जब मैं उसको बेचने जाऊंगी मंडी में या ट्रेडर्स के पास, तो मुझे ज्यादा अमाउंट मिलेगा, राइट. तो ये हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग भी इट इज समवॉट रिलेटेड टू मिक्स्ड क्रॉपिंग, पर डिफरेंस क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हम एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स उगाते हैं. मल्टीपल क्रॉपिंग में हम अलग अलग टाइम पीरियड में मल्टीपल मतलब क्रॉप्स उगाते हैं. जैसे कि अगर रबी क्रॉप्स का सीजन चल रहा है तो मैं रबी क्रॉप्स उगाऊंगी, ठीक है. अब वो मेरे ऊपर है कि मैं मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकती हूँ, पर मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर सकती, राइट. मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि अगर रबी सीजन चल रहा है तो मैं रबी के क्रॉप्स उगाऊंगी, और खारिफ सीजन चल रहा है तो मैं खारिफ के क्रॉप्स उगाऊंगी. मतलब आई एम नॉट लिमिटेड टू वन सॉर्ट ऑफ क्रॉप बिलोंगिंग टू इट्स पर्टिकुलर सीजन, राइट. रबी का सीजन है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं रबी ही उगाऊंगी, खारिफ का आएगा तो मैं खारिफ उगा सकती हूँ. इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द डिफरेंस, क्योंकि दीज टू टर्म्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, ओके. सो द थर्ड वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इज इरीगेशन. हमें बचपन से पता है इरीगेशन क्या होता है, ठीक है, कि पानी का सोर्स, पानी का सप्लाई करना. तो अब ये हाइपोथेटिकल विलेज है, इसलिए हम इसमें कंसिडर करके चल रहे हैं कि इस छोटे से विलेज में इरिगेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है, ठीक है. दो वी एवरीवन नो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर आज भी, दिस इकोनॉमिक्स चैप्टर इज रिलेटेड टू 1980s और यू कैन से स्टार्टिंग ऑफ द 2000, राइट. बट आफ्टर 20-25-30 years वी स्टिल नो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे विलेजेस में अभी तक पानी अच्छे से नहीं मिलता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर इरिगेशन बहुत अच्छा है, मतलब कि पहले हमने पढ़ा था उस दिन कि पहले तो गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स बना के दिए, उससे इरिगेशन मिला, फिर धीरे धीरे लोगों ने प्राइवेट कंपनीज को हायर करना शुरू किया इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए. नाउ वी एवरीवन नो कि इरिगेशन हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द नियर बाय वाटर बॉडी, मे बी ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनल.
कैनाल्स या फिर डैम्स, ठीक है, इन सब से हमें इरिगेशन मिलता है. तो इरिगेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, मैं मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकती हूँ, मैं मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकती हूँ. क्योंकि अगर मैं एक ही फील्ड में दो तरह के क्रॉप उगा रही हूँ तो मुझे उन दोनों को उनके हिसाब से पानी देना है. क्योंकि नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन इज रेनफॉल, इजंट इट, कि रेनफॉल होगा तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन है. बट अगर रबी सीजन है, ठीक है, खरीफ सीजन में चलो रेनफॉल हो जाती है, पर रबी सीजन में रेनफॉल नहीं होती है, राइट, विंटर में रेनफॉल बहुत रेयरली होती है, तो विंटर के क्रॉप्स क्या करेंगे? तो विंटर क्रॉप्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन दी इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन द विलेज. ओके, तो इसलिए इरिगेशन होता है सो दैट जिन क्रॉप्स को नेचुरली इरिगेशन नहीं मिल पा रहा है, नेचुरल रेन नहीं मिल पा रही है, वो इरिगेशन से अपना अपने ग्रो हो सके, राइट. सो दिस वॉज इरिगेशन, की इरिगेशन से भी हम क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा उगा सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी. अब इरिगेशन कैसे आएगा, या इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन बोथ आर इंटरलिंक्ड. हाउ, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ट्यूबवेल में टर्बाइन चलेगी, है ना, डैम अच्छे से चल पाएंगे, तो इस तो इरिगेशन खेतों में पहुंच सकेगा. पानी होगा तो डैम और हाइड्रो पावर प्लांट में से बिजली बन सकेगी. मतलब दीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंटरलिंक विद ईच अदर, and ultimately these both factors help a farmer to increase the production or increase the yield. ठीक है, मतलब क्या कि अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो अच्छे से ज्यादा इरीगेशन हो सकेगा, इरीगेशन हो सकेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो सकेगी. आई होप दिस फोर पॉइंट्स आर क्लियर. फिफ्थ पॉइंट इज मॉडर्न फार्मिंग. मॉडर्न फार्मिंग हमें नाम से ही पता चल रहा है, मॉडर्न मतलब आज के जमाने की, फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी. मतलब दीज टर्म्स आर नॉट अननोन टू यू पीपल, यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 6th, 7th, 8th, राइट. HYV सीड्स, मॉडर्न मशीन्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट. तो मॉडर्न फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग एक्टिविटी करना जो कि आज के जमाने की चीज़ों को हम यूज करके करते हैं. लाइक HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स मतलब कि एक ऐसी सीड्स. अब सीड्स क्या होती है, सीड्स मतलब बीज, ठीक है. तो जब हम बीज उसमें जमीन में डालते हैं तो वो सब सेम कैटेगरी की ही सीड्स आती है. बट क्या होता है, HYV सीड्स का क्या होता है कि जो सीड होती है उसमें कुछ जेनेटिक डिफरेंस क्या रहता है. जेनेटिक मतलब जैसे कि साइंस में हमने पढ़ा है कि जेनेटिक हमारी अंदर होती है चीज़ें, राइट. तो सीड्स के अंदर भी कुछ जेनेटिक डिफरेंस या कुछ जेनेटिक ऐसी चीज़ें डाली जाती है थ्रू इंजेक्शंस, जिसके थ्रू उसका जो प्रोडक्शन की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है. तो HYV सीड्स, तो इसको केमिकल्स के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है उसके जेनेटिक में कुछ अपग्रेड करने के लिए, जिसके कारण खेतीबाड़ी अच्छी होती है. सेकेंड थिंग इज मॉडर्न मशीनरीज. मॉडर्न मशीनरीज मतलब कि पहले के ज़माने में हमने लोअर क्लासेस में साइंस में पढ़ा होगा कि पहले के ज़माने में खुरपी, देन एग्स, इन सबसे खेती बाड़ी होती थी, ठीक है. अब आज के जमाने में वेरी रेयर पीपल डू सच, ठीक है. अभी हम क्या देखते हैं कि मॉडर्न मशीनरीज यूज की गई है, कि टूल्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गया. पहले भी यूज टू सी की वो गाय भैंस करके दे यूज टू सो दी सीड्स, ठीक है. नाउ ट्रैक्टर्स आर अटैच विद दोज मशीनरीज, राइट. तो मॉडर्न मशीनरीज. थर्ड इज ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन में एवरीबॉडी नो, हरित क्रांति 1965 में आई थी इंडिया में, जिसमें जिस ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और बाहर की जो टेक्नोलॉजीज थी उनको इंडिया में लाया गया था, जिसके कारण इंडिया का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होने लग गया था, ठीक है. दिस रिवॉल्यूशन वॉज इन सपोर्ट ऑफ दिस स्मॉल फार्मर्स हु आर अनएबल टू प्रोड्यूस मच ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, और उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा डेट में मर जाते थे, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था. नेक्स्ट सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट बुक, कि हाउ टू इंक्रीज द यील्ड, ठीक है. इसमें 5 पॉइंट है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता ही आता है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द फार्मिंग एक्टिविटी इन पालनपुर. रिमेंबर गाइज, whatever we are studying in this chapter, we are just studying in relation to the Palanpur, but we are understanding the concepts of the entire India. ठीक है,
तो नेक्स्ट टॉपिक इज विल द लैंड सस्टेन. विल द लैंड सस्टेन मतलब कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हम ऊपर कर रहे हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फार्मिंग, HYV सीड्स, मॉडर्न मशीनरी, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये सब हमारी लैंड सह सकती है कि नहीं सह सकती है, ठीक है. क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज की एक लिमिट होती है. अगर हम किसी चीज को या किसी इंसान को भी ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो एक दिन थक के बारे बोल देगा मुझे नहीं रहना, ठीक है. तो अल्टीमेटली विल द लैंड सस्टेन की जो अर्थ है वो इन सब चीजों का जो बोझ है वो ले सकती है कि नहीं ले सकती. सो मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न मेथड्स हैव ओवरयूज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज वी ऑल नो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, दैट लैंड, लैंड, एयर, सॉइल, वाटर, ठीक है. तो हमने सॉइल को बहुत ज़्यादा केमिकल्स दे दिए, हमने सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स दे दिए, हमने सॉइल को ऐसी सीड्स दी जिसका हमने जेनेटिक फॉर्म चेंज कर दिया है. तो इन सब से क्या हुआ है कि सॉइल में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए. जो सॉइल पहले बंजर थी वो कुछ टाइम के लिए ये सब चीज़ों से डर के, मैन्यूअल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक चीज़ों से डर के वो फर्टाइल तो हो गई, पर वो फर्टाइल ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती क्योंकि उसको भी एक लिमिट आएगी कि वो सॉइल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, राइट. तो वी हैव ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है. नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. की ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमने किया है, ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है. फर्स्ट इज लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल्स. मैंने जस्ट समझाया कि हमने सॉइल में बहुत ज्यादा केमिकल्स, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाल दिया है जिसके कारण सॉइल का जो पीएच बैलेंस है, नेचुरल पीएच बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो गया है एंड जिसके कारण सॉइल पल्यूट हो गई है, ठीक है. और सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होने लग गया और इरोजन हो रहा है तो वाटर में उसकी फर्टिलिटी भी जाती है, ठीक है. नेक्स्ट इज कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. अब पहले क्या होता था कि पहले हम जो इरिगेशन करते थे वो नेचुरल रेन से होता था, ठीक है. तो बारिश आ रही है तो इरिगेशन हो रहा, तो बारिश आने के बाद जितना पानी ग्राउंड में चला जाता है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते थे एंड वो ग्राउंड वाटर बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता था. बट अब क्या हो गया है कि हमने इतना ज़्यादा पानी यूज करना शुरू कर दिया है, इवन वी हैव डिस्टर्ब द ग्राउंड वाटर, राइट. जिसके कारण क्या हो गया, जो वाटर टेबल थी वो डिसबैलेंस हो गई और उसमें डिप्लीशन यानी कि डिक्रीज देखने को मिला है. नेक्स्ट इज इट टेक्स years टू बिल्ड अप अ सॉइल फर्टिलिटी. मतलब कि ये जो ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन है या फिर सॉइल का नेचुरल फर्टिलिटी का फॉर्मेशन है कि एक सॉइल को वापस नेचुरली फर्टाइल कैसे करें, तो ये सब चीज़ों में बहुत 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 ज़्यादा साल लगते हैं बिकॉज दे आर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है. तो ये सब बहुत ज़्यादा साल लगते तो एकदम क्विकली अर्थ जो है वो हील अप नहीं हो पाती. अल्टीमेटली वी आर फेसिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेज राइट नाउ. नेक्स्ट इज वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट जस्ट बिकॉज वी नीड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है. कि हम ही हम सारा अगर यूज कर देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी, ठीक है. सो दिस वॉज द टॉपिक रिलेटेड टू द फार्मिंग इन पालनपुर. एंड नेक्स्ट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड. कि जमीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है पालनपुर में. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि वहाँ पे 450 फैमिलीज थी, 80 फैमिलीज जो थी वो अपर क्लास की थी, उनके पास खुद की जमीन थी. मतलब वी कैन सी कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जो जिनके पास जमीन है और कुछ लोगों के पास जमीन है ही नहीं है. तो हम देख सकते कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वॉज देयर इन द विलेज ऑफ पालनपुर. बट इफ वी सी ऑन द नेशन वाइज ऑल्सो, तो इन इंडिया ऑल्सो वी हैव अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और एनी अदर रिसोर्सेज, ठीक है. किसी स्टेट के पास ज़्यादा चीज़ें, किसी स्टेट के पास कम है. तो नो सफिशियंट लैंड टू ऑल फॉर द कल्टिवेशन. पालनपुर के हिसाब से देखें तो जो अमीर लोग हैं वहाँ के, जो रिच फार्मर्स हैं, उनके पास खुद की लैंड है एंड वो छोटे फार्मर्स के ऊपर अपना प्रेशर बना सकते हैं कि भाई तुम हमारी लैंड पे काम करो एंड ऑल, ठीक है. ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे अबाउट लेबर एंड एवरीथिंग. सो इस टॉपिक में बस इतना ही है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज देयर इन द विलेज ऑफ पालनपुर एंड हर एक फार्मर को सफिशियंट लैंड नहीं मिलती है कल्टिवेशन करने को. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फार्मिंग एक्टिविटी इन द विलेज ऑफ पालनपुर, ठीक है. वी हैव कम्प्लीटेड टू टू थ्री टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन,
organization of production, that is factors of production, and the third is farming activities in पालनपुर related to the land. Farming मतलब अभी हमने सिर्फ land के बारे में पढ़ा है, अभी हम labor के बारे में भी पढ़ेंगे next videos में, and capital के बारे में and entrepreneurs के बारे में भी पढ़ेंगे कि how everything is connected in the village of Palanpur and India as well. Okay, so thank you for watching this video. Please subscribe our channel. Thank you guys for watching this video, and do like, subscribe, comment our channel. Keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in